सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर हैं। जी हाँ, आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में फिसड्डी साबित हुआ है। आपको बता दें कि नीति आयोग की हेल्थ रिपोर्ट में 21 बड़े राज्यों की सूची में यूपी को आखिरी स्थान यानी 21वां स्थान मिला है। राज्य की खराब स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक साल पहले यूपी का कंपोजिट इंडेक्स स्कोर 33.69 था, जो अब 5.28 अंक घटकर 28.61 रह गया है। वहीं जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसके लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि हमें कुछ चीजें विरासत में मिली थी जिसको ठीक करने में वक्त लगेगा। वो कुछ चीजें हमें विरासत में मिली, तो ये 2017 के संदर्भ में है और 2017 में ही हमारी सरकार आई, और मैं इतने कह सकता हूँ कि आने वाले समय में सुधार होएगा और उसमें समय लगता है कुछ चीज़ों में सुधार करने में। भाई आम का पेड़ लगाओ, 4 साल बाद ही आम आएगा ना, उसमें तो समय इसमें लगेगा। मगर मैं उदाहरण के लिए इतना कहूँगा कि जैसे स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बड़ी चीज़ है स्वच्छता। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है टॉयलेट, तो ये सब जब चीज़ें होती हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। जैसे आपने अभी देखा JEE AES के अंदर देखा, उसके अंदर 67% ड्रॉप हुआ है जो मृत्यु दर है। तो ये सब चीज़ें आएंगी, मेरे को विश्वास है कि आने वाले समय में आप अच्छा इसमें सुधार देंगे। हालांकि योगी सरकार में सहयोगी अपना दल के प्रवक्ता ने भी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल बताया। नीति आयोग को बधाई दे रहा हूं कि उसने इस देश का सच सामने किया। उत्तर प्रदेश की जो चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो चौपट है। मुख्यमंत्री जी से हमने बार बार निवेदन किया है कि इस विभाग को ज़्यादा तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ, जिन भी जिलों में जा रहा हूँ, अस्पतालों की हालत खस्ता है। वहाँ न तो मरीजों को दवाई मिल रही है, न डॉक्टर समय से बैठ पा रहा है, और PHC CSC में तो डॉक्टर और नर्सें होती नहीं हैं। मैं सरकार की तारीफ भी कर सकता था, लेकिन जो सच है वो सच है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के मामलों में लेफ्ट शासित केरल देश का नंबर 1 राज्य है। फिलहाल सरकार प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एक और मुद्दा दे दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।